तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है कौन है गेम प्ले वीडियो में। देखो भाई, ज्यादातर बिहाड़ियों में आपकी जान बचाता है, लेकिन भाई इस वाले मैच में आपको कुछ अलग ही चीजें देखने को मिलेगी। मतलब बस एंड तक देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिलहाल इस वाले मैच में यहाँ पर मैं ओल्ड से मैं उत्तर के साथ मेरे को गन्स मिल जाते हो, जस्ट सामने की तरफ पूरी की पूरी स्क्वाड आई हुई है, तो बस देखना। अब तभी मेरे को ये बंदा दिखता जो कि मैं बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी लूट कंप्लीट कर रहा था, लेकिन इसी बीच में यहाँ पर इसमें देखो स्पॉट करता हूँ, नॉक करता हूँ और फिनिश करने का ट्राई भी करता हूँ, लेकिन बंदा खबर में चलाया था। अब उसके बाद इससे पहले बंदा रिवाइव हो यहाँ पर भाई फटाफट से पुश मारता है। अब भले ही मेरे पास यहाँ पर वेस्ट नहीं हो, वेक्टर और एक शॉट गन हो, लेकिन इससे भी अपन काम चला लेंगे, तो बस एंजॉय करो। अब पुश मारने के दौरान मेरे को स्क्वाड उसकी तरफ से भी एक बंदा आता हुआ दिखता है, लेकिन फिलहाल के लिए उसे इग्नोर करता है और भाई इधर पुश मारते हैं। और इसी के साथ ये पूरी की पूरी स्क्वाड फिनिश हो जाती है। अब जिस बंदे को मैंने नॉक किया था शुरुआत में, वो बंदा यहाँ पर रिवाइव हो गया था, बेचारा हील विल नहीं मार पाता है, तो भाई इसको ज्यादा शॉट मारने नहीं पड़ते। मतलब केवल एक शॉट पड़ता है, शॉट गन गई बंदा इजीली मार आता है। और भाई देखो पूरी की पूरी स्क्वाड तो निपट गए, तो भाई आप लोग जो फटाफट से शुरुआत में सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर लेना। आप जैसे आप सब्सक्राइब करोगे भाई, तब भाई आपको मतलब दोबारा देखने को मिल जाए, क्योंकि हम ज्यादा लूट उट करते हैं, हम गाड़ी में बैठते हैं और सीधा निकल लेते हैं। तो भाई आप लोग जाओ सब्सक्राइब करके आ जाओ और बेल आइकन पर भी सेलेक्ट कर लेना और लाइक तो कर ही देना। उसके बाद हम इस वाली जगह पर आते हैं और इधर कुछ बॉट्स मिलते हैं हमें। अब इनको फिनिश करने के बाद हम वापस अपनी गाड़ी में बैठते हैं और चलते सीधा थर्डल की तरफ, क्योंकि फ्लैट रोड कुछ ऐसे थे कि वहां पर भी बंदे आ सकते थे। और जब हम इन बंदों को मतलब इन बोट्स को मारते तो भाई सामने की तरफ से कुछ गन्स वन्स आए थे, तो उसका मतलब ये था कि वो बंदे हैं सामने की तरफ, मतलब थर्डल के अंदर। और जैसे हम इस वाले बानोस में गाड़ी ठोकते, जस्ट सामने की तरफ से दोस्त ओपन ही थे और फुट स्टेप भी आते हैं कुछ। और भाई इन दोनों बेचारों की किस्मत की, भाई यहाँ पर हम बस टोमी होते हैं मतलब 50 बुलेट्स के साथ, और ये बंदे दोनों साथ में घुसते तो हैं लेकिन भाई वापस जा नहीं पाते। अब उसके बाद यहाँ पर एक और बंदे का फुटस्टेप आता है जो कि भाई पीछे की तरफ मतलब नीचे की तरफ बैठ के अपने बंदों को रिवाइव कर रहा था, भाई घुसते हैं। और इसी के साथ ये पूरी की पूरी स्क्वाड मार जाते, तो भाई इस बंदे के पास रिवाइव करने के अलावा ना एक ही चांस था, मतलब एक ही रास्ता था कि हमसे फाइट करे और मतलब हमको निपटाकर अपने टीममेट्स को बचा ले, लेकिन भाई बंदा रिवाइव करने का अपना रास्ता सेलेक्ट करता है और भाई जिसके कारण इसकी पेटी बन जाती है यहाँ पर। अब इसको निपटने के बाद मतलब ये पूरी की पूरी स्क्वाड तो मारे आ चुके, लेकिन भाई अभी भी यहाँ पर पूरा का पूरा थर्डल क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि भाई जैसे यहाँ पर हम लूट करने में लगते हैं भाई पीछे की तरफ रेड हाउस से कुछ फुटस्टेप आते हैं हमें। अब शुरुआत में तो मुझे बोट लगा था, लेकिन बंदा जिस तरफ से फुटस्टेप मतलब जिस तरह से फुटस्टेप दे रहा था मुझे, तो भाई एक रियली बंदा लगा। मैं वापस से पीछे की तरफ आता हूँ, गेट वेट बंद कर लेता हूँ, क्योंकि नेट भी तो कर सकता ना वो बंदा। तो वापस से हम मतलब घर के अंदर आते हैं, गेट वेट बंद करता हूँ, उसके बाद मैं टॉमी उठाता हूँ सबसे पहले, तो क्योंकि भाई एक एम तो मेरे को मिल रही थी यहाँ पर और सामने की तरफ बंदा तो कंफर्म था कि भाई एक रियल ही है। तो उसके बाद हम सीधा पुश मारते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम क्लोजिंग करते हैं, हमें शुरुआत में तो यह लगता है कि वो बंदे का फुटस्टेप इस वाले रेड हाउस से आ रहे हैं, लेकिन वो जो बंदा था मतलब बगल वाले रेड हाउस में होता, तो वापस से हमें वही जाना पड़ता, मतलब खिड़की वड़की से कूद के क्लोजिंग करना पड़ता अगेन। तो बस पकड़ते इस बंदे को, और ये बंदा मतलब अपना अलग ही क्यों लगा रहा था, तो बस देखना। और आप भी सुना फुटस्टेप, और जिस गेट के सारे भैया जी चढ़ने का ट्राई कर रहे थे भाई, उसी गेट को यहाँ पर मतलब बंद कर देते हैं, और ये बंदा बिल्कुल सोच वोच में पड़ गया था, तो भाई उसी बीच हम आते और इजीली निपटा देते हैं। और शायद से अगर आप लोगों ने नोटिस ना किया हो, फिर आपको ना पता हो, तो बता दूँ कि मैंने कंट्रोल्स चेंज किए हैं, आप खुद नोटिस कर सकते हो अगर आपको पता होगा मेरे कंट्रोल्स के बारे में। तो भाई दिक्कतें आ रही है, लेकिन अगर हम इसमें एक बार फिक्स हो गए तो भाई सिंपल सा मतलब गेम प्ले काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो भाई मस्त देखना, मजा आने वाला आप लोगों को इन फ्यूचर। तो अभी खुश ना हो, क्योंकि भाई ये जो मतलब पिछले कुछ एक दो दिन से मैं मैचेस खेल गेम प्लेस ला रहा हूँ वो उसी कंट्रोल चेंज वाले कंट्रोल्स के, तो भाई उसमें भी मैं ऐसा मतलब खेल पा रहा हूँ, तो भाई काफी हद तक मैं फिक्स मतलब हो रहा हूँ इस कंट्रोल के साथ। तो उसके बाद इधर मैं कुछ गन्स वन्स आते हैं, तो यहाँ पर हम चेक करने के लिए आते हैं, लेकिन इधर अलग ही लेवल था भाई मुझे थी।
अब आप लोग यहाँ पर हालात तो देख ही सकते हो कि भाई क्या बन गया। तो यहाँ पर दिवांशु भी नॉक हो गया था इसी बीच, तो यहाँ पर हालात काफी ज्यादा गंभीर हो गए हैं। तो बस इंजॉय करना और देखना क्या यहाँ पर हम सर्वाइव कर पाएंगे और बच पाएंगे और निकाल पाएंगे 1v4। तो बस देखते रहो। अब अगर यहाँ पर मैं एक सेकंड भी लेट हो जाता तो मेरी पेटी कंफर्म बन जाती, क्योंकि भाई अभी अभी जिस बंदे को मैं नॉक करके आया हूँ उस बंदे को नॉक करते वक्त मेरा फायरिंग बटन दबा ही नहीं था। तो भाई लास्ट में कैसे भी मैं दबाता हूँ, नॉक करता हूँ उसे, और भाई लास्ट कैस्ट्रोलिक वाला बचाओ बंदा ना मतलब पीछे पड़ गया था मेरे बिल्कुल हाथ धो के, लेकिन मैं बचता हूँ कैसे भी और उसके बाद मैं एक चांस लेने जाता हूँ। अब मैं एक चांस लेने के लिए जाता हूँ लेकिन भाई वो चांस क्रिएट नहीं हो पाता, क्योंकि भाई जो एस्ट्रोलिक वाला बंदा था वो खबर में बैठ के रिवाइव कर रहा था। अब उसके बाद बारी थी सीधा पुश करने, क्योंकि भाई रिस्क तो लेना ही था। और लकीली भाई इस बंदे के पास भी हीलिंग्स नहीं होती, मतलब देख सकते हो फर्स्ट एड तक नहीं, बंदा बूस्टर्स और बैंडेजेस से काम चला था। और यहाँ पर मेरे पास भी मतलब ज़्यादा कुछ था नहीं, तो यहाँ पर भाई इतने सारी क्रेट्स पड़े हुए, तो भाई इनको लूटते हैं और भाई सारी के सारी हीलिंग्स वीलिंग्स उठाते हैं और एस्ट्रोल के भी उठा लेते हैं, क्योंकि भाई लास्ट में हमको काम आ सकती है। क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता कि किसी एस्ट्रोल वाले बंदे से मरूं और मतलब ये जो मेरा मैच है अच्छा खासा बनाया बनाया गेम प्ले खराब हो जाए। तो भाई यहाँ पर मैं मतलब एस्ट्रोल के उठा लेता हूँ अपनी सेफ्टी के लिए। अब उसके बाद वापस से लूट करते हैं थोड़ी बहुत, क्योंकि भाई लूट हमारी काफ़ी हद तक समाप्त हो चुकी, तीन बंदों को निपटाते निपटाते। तो भाई लूट करते और गाड़ी में बैठते और सीधे चलते हैं जोन के अंदर। अब इससे पहले हम जोन में जाके बंदों को निपटाना स्टार्ट करें, उससे पहले ये वाला सीन देखो। और यहाँ पर सच बता रहा हूँ, कहते मौत को चुके टक से वापस आ गया मैंने, मतलब ये वाला बग्गी, क्योंकि भाई इस बग्गी की जान खतरे में थी, मैं तो भाई कैसे भी तैर वैर के निकल जाता। अब उसके बाद हम वापस से बग्गी में बैठते हैं और चलते सीधा जोन के अंदर। अब जैसे मैं जोन के अंदर एंट्री मारता हूँ सामने की तरफ देखना आपको एक गाड़ी दिखेगी, और जैसे ही मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूँ बंदा भी दिख जाता मुझे अकेली। तो भाई निपटाते इनको। और इसने जस्ट अभी अभी फ्लेयर चलाया और जिसमें मतलब इसने ड्रॉप नहीं मंगाया, बीआरडीएम मंगाया, और यही बीआरडीएम जो मैं यूज करूंगा आगे बचने के लिए। वही देखना क्या ही सीन क्रिएट करेगा लास्ट में। फिलहाल इस वाली टीम के बैक टू बैक में दो बंदों का नॉक कर चुका था, एक को लग गया फिनिश करे तो, और भाई दूसरे को भी फिनिश करने के लिए जा रहा था और इसे भी फिनिश करे तो। उसके बाद लास्ट का बचा बंदा था जो कि उसके पेड़ के पीछे चुप के बैठा हुआ था और जिसे निपटाने का चांस मेरे को मिलने वाला है यहाँ पर, जिसे हम बिल्कुल भी नहीं गवाएंगे। तो बस इंजॉय करना। अब उसके बाद यहाँ पर मेरे पास वेस्ट होते नहीं, तो भाई मैं एक अच्छे वेस्ट के लिए इस बंदे की क्रेट लूटने के लिए आता हूँ, लेकिन मैं वेस्ट तो मिलते नहीं, तो भाई ऐसे सिंपल से लूट कर लेते हैं, हम उठा लेते हैं। अब जैसे मैं गाड़ी लेकर निकलने वाला होता हूँ मेरे को ऊपर से एक बीआरडीएम आती हुई दिखते, तो मैं सोचता हूँ कि भाई बीआरडीएम को यूज कर लेते हैं, क्या पता भाई काम आ जाए अपने। लेकिन स्क्वाड खेलते वक्त कभी भी बीआरडीएम का यूज नहीं करना चाहिए, बात मैं भूल चुका था, तो भाई जो कि मेरे को आगे जाकर याद भी आने वाली है। फिलहाल उसके बाद इस वाले स्क्वाड के लास्ट बंदे को भी मैंने उठाया तो इजीली, जो कि मैं पुश कर रहा था मेरे ऊपर। उसके बाद बीआरडीएम में बैठते हैं और सिचुएशन यहाँ पर 1v3 है, लेकिन मतलब बस देखना है पर क्या सीन होने वाला। अब मैं फुल कॉन्फिडेंस में, क्योंकि मेरे पास बीआरडीएम थी, मैं बिल्कुल ओपन में बिल्कुल शेर बन के जा रहा था, लेकिन अभी देखो भाई क्या सीन होने वाला मेरे साथ। अब देख तो सामने पूरे तीन बंदे जो कि भी खतरनाक वाला M4 का स्प्रे दिए जा रहे हैं नॉनस्टॉप, वो भी एक साथ, और ऊपर से मेरी बीआरडीएम ग्लिच। तो भाई यहाँ पर आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि भाई मेरे साथ क्या सीन होगा। और बीआरडीएम तो तीनों बंदे मिलकर खा ही चुके थे, तो भाई बीआरडीएम का तो यूज़ कर नहीं सकते थे, और ऊपर से तीनों के तीनों बंदे जोन में बैठे हुए और मैं भाई बेचारा जोन के बाहर, तो भाई मैं क्या ही करता है यहाँ पर। फिलहाल यहाँ पर मेरे पास कुछ नेट्स थे, तो भाई मैं नेट फेंकता हूँ और ट्राई करता हूँ किसी बंदे को नॉक करने का।
और उसके बाद तो मैं मतलब कुछ बोलना ही नहीं चाहूंगा। तो गई जीते आज की गेम।